कितने सालों से इसका काम चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हो रहा है गाइस। ये कुछ हाल है मुंबई गोवा हाईवे का। आपने तो सुना रहेगा बीच में रिकॉर्ड आया हुआ था कि इतने घंटों में इतना इतना रोड बनाया गया नागपुर में। ठंड लगने लगी है बिकॉज ऑफ यू नो ये जो वेजिटेशन है, बहुत पेड़ वगैरह है। कैसा लोड किया ये, सो डेंजरस इट इज। मतलब थोड़ा भी कुछ उम्मीद हो गया तो बेचारा जो बाजू से जा रहा है तो वो तो ऐसे ही मर जाएगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो गाइस अभी हम फिर से आए हैं हरिहरेश्वर मंदिर में। आज हम घर जाने वाले रिटर्न, तो सोच रहे हैं कि पहले मंदिर के दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, फिर घर जाते हैं। सो गाइस सुबह के 7 बज चुके हैं और इसके लिए सब दुकानें बंद है, लोग भी कम है। किती पैसे? हाँ। हमने ये आज मंडे है और शिव जी का वार है, तो मंदिर के दर्शन करते हैं। तो हमने ये थोड़ा फूल नारियल वगैरह लिए, फिर चढ़ावा चढ़ाते हैं, दर्शन करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। तो अभी हम काल भैरव के मंदिर में एंटर कर रहे हैं। सुरेश हमारे दर्शन हो चुके हैं, बहुत अच्छा लगा। अभी हम दर्शन लिए तो अभी हम घर जा सकते हैं शांति से। उस दिन दर्शन हुए थे लेकिन पूजा चल रही थी इसलिए हम अंदर नहीं जा पाए, लेकिन अभी हम भैरव के भी दर्शन लिए नज़दीक से और शिव जी के भी दर्शन लिए नज़दीक से। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस दिस इज़ दी हरिहरेश्वर बीच। मतलब हम 2 दिन से हरिहरेश्वर में, लेकिन हमने आपको बीच ही नहीं दिखाया था। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। डजंट लुक दैट क्लीन, लेकिन ठीक है, क्या करें, समुंदर से जो कचरा डाला जाता है वो वापस आ जाता है। सो गाइस दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। बहुत काम है, बहुत पीसफुल है, आप देख सकते हो पूरा ग्रीनरी है एंड दे हैव अ गुड स्पेस फॉर पार्किंग। गेटेड पार्किंग है तो अच्छा है, टेंशन नहीं है। देर आर अराउंड 8 रूम्स, नहीं सॉरी देर आर 6 रूम्स दे हैव, एसी नॉन एसी दोनों है। ऊपर इनका टेरेस है और ये जो रोड है ये मंदिर की तरफ जाता है, मतलब मेन रोड जो है मंदिर का, वहाँ से थोड़ा एक 100 मीटर अंदर आता है। ये मेन रोड से 100 मीटर अंदर है, इसके लिए काफी शांति है। द रूम्स आर क्लीन, बाथरूम इज क्लीन और बहुत इकोनॉमिकल है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। एक का दुका गाड़ी ऐसे जाती है यहाँ से, अदरवाइज जो मेन रोड का जो असल बसल है मंदिर वाले वो यहाँ पे नहीं रहेगा। दिस इज हाउ द रूम इज, दिस इज बाथरूम, दिस इज अ वॉशरूम, दिस इज अ व्यू फ्रॉम द गैलरी। सो गाइस अभी हम निकल रहे हैं हरिहरेश्वर से, सुबह के 9 बज चुके हैं ऑलरेडी। करीब 5 से 6 घंटे लगने चाहिए हमको, मतलब मुझे घर पे पहुंचने के लिए। इनका 2 घंटे पहले खत्म होगा सफर, क्योंकि ये पेड़ में रहता है, मैं थाने में। तो चलो फिर अभी मिलते हैं रास्ते पे। महेश भाई हाउ वाज द ट्रिप? अच्छा था, गुड था, मजा आया। हां गुड, सही में। हां चलो फिर से मिलते हैं, फिर एक बार ट्रिप से वापस आएंगे। गाइस 9 बज चुके हैं और अभी हम निकल रहे हैं हरिहरेश्वर से। अपना घर दिखा रहा है 196 किलोमीटर, विच इज गोना टेक 4 hours 39 minutes। अभी ब्रेकफास्ट के लिए हम रुकेंगे तो करीब 6 घंटे लगने चाहिए हमको, उसके पहले ही पहुंचेंगे, बट स्टिल ऑन द हायर साइड। तो चलो बोलो गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, अम्बे माते की जय, हर हर महादेव। चलो बाय बाय हरिहरेश्वर। ऐसा लग रहा है कि मच्छर मार रहा है ये जाते जाते, कितना धुआं है उसको। यार पीयूसी कराओ, चेक कराओ इंजन, अननेसेसरी पोल्यूशन मत बढ़ाओ। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? सर ये सब देख सकते हो, ये बहुत अच्छे कॉटेजेस बनाए, पेपर बोट, बट लोकेशन इतने रोड के नजदीक है ना, मजा नहीं आएगा, थोड़ा अंदर होना चाहिए था। मतलब पौधे वेदे ऐसे झाड़ भी होने चाहिए, ग्रीनरी होना चाहिए, उसके बीच में होना चाहिए था। ठीक है। सो गाइस अभी हमने लिया है राइट, मतलब हम आए थे सामने से, सीधा आए थे
अभी हम राइट से जा रहे हैं, क्योंकि आते समय हम ना कोस्टल रूट से आए थे, अभी हम कोस्टल से नहीं जाएंगे, समुद्र के किनारे से आते समय आए थे, अभी हम अंदर से जाएंगे, क्योंकि ये रोड है ना नज़दीक है। ये रोड भी सीधी है, आप देख सकते हो, और प्रॉपर डबल लेन रोड है, और ये घर है डीजल। गाइस कैसा है, आप जब भी टर्न लेते हो ना वहाँ पे ज़रा देखो, डीजल वीजल हो सकता है। यूजुअली क्या होता है, कभी ये जो बड़ी गाड़ियाँ हैं इनकी जो अगर डीजल के कैप अगर बराबर बन रही है ना, ये टर्न के टाइम पे डीजल स्पिल होता है, और टर्न सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको संभालना पड़ता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा डीजल गिरा है। तो कोई गाड़ी गई आगे जिसका डीजल कैप बराबर बन नहीं था, देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है, और ये उसी के अवशेष है। यहाँ पे लेफ्ट में बहुत ही खूबसूरत मंदिर दिख रहा है, हम ऊपर से जब ही आ रहे थे तभी एकदम प्रॉपर दिख रहा था, अभी थोड़ा थोड़ा दिखेगा। ओहो क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या तो भाई रोड है ना सुपर्ब है, मजा आया ये रोड पे भी, मतलब जितना वो सुंदर था समुंदर के किनारे से जाना, उतना ही ये झाड़ियों से, ये फार्म्स है, ये काजू के फार्म है, काजू के ट्रीज है, ये यहाँ से भी गुजरना बहुत मजा आ रहा है। देखिए पूरा काजू प्लांटेशन है, ये ठंड लगने लगी है बिकॉज ऑफ यू नो ये जो वेजिटेशन है, बहुत पेड़ वगैरह है, तो हल्का हल्का ना बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब तक ये ठंड है ना तब तक हम किलोमीटर काट सकते हैं, उसके बाद गर्मी शुरू हो जाएगी फिर दिक्कत होना शुरू होती है, लेकिन वैसे भी ये मौसम तो अच्छा है, वैसे वाली गर्मी नहीं है जो यूजुअली होती है अप्रैल और मई में, क्योंकि अभी चल रहा है दिसंबर, लेकिन इस बार सर्दियां थोड़ी लेट आई महाराष्ट्र में, और जिस हिसाब से आनी चाहिए थी उतनी मतलब उतनी ठंड है नहीं। कंक्रीट वाली रोड शुरू हो चुकी है, मतलब जो डबल लेन से हम वापस सिंगल लेन गए थे, और अभी ये वापस डबल लेन वाली कंक्रीट रोड है, लेकिन जो टार पे चलाने में जो मज़ा आता है ना वो कंक्रीट पे नहीं होता है, मतलब इस पे कॉन्फिडेंस इतना आता नहीं है, और गाड़ी के टायर के भी ज़्यादा आवाज़ आता है कंक्रीट रोड पे। गाइस यहाँ पे गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब इतने सारे ट्विस्ट है, इतने टर्न्स है, और रोड भी अच्छा है, बस कंक्रीट वाला है, लेकिन ठीक है, सी ए ग्रीनरी। सॉरी मोरबा इज 12 किलोमीटर, मानगांव इज 17। तो अभी हम मानगांव जा रहे हैं 17 किलोमीटर पे जो है, और वहीं पे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। मुझे बहुत भूख लगी है, इसके लिए ना मैं आराम से गाड़ी चला रहा हूँ, और पेट जब तक नहीं भरेगा तब तक ताकत नहीं आएगी गाड़ी चलाने में। तो गाड़ी आगे जा रही है, शहर से दूल्हा दुल्हन की गाड़ी है कि दोनों के नाम लगे हुए, तो शादी में जा रहे हैं या शादी करके आ रहे हैं, और ये देखो यहाँ पे ये चल रहा है डांस, डांस इंडिया डांस। 2000 years later। तो गाइस 10:30 बज चुके हैं, मतलब 10:22 हो रहे हैं, और हम पहुंच चुके हैं मानगांव, ब्रेकफास्ट करते हैं कुछ, क्योंकि बहुत भूख लगी थी और इसी वजह से मुझे नींद भी आ रही थी, तो ब्रेकफास्ट में हमारा स्टेपल है मिसल, अभी यहाँ पे मिसल पाव खाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं, थोड़ी ताकत भी आ जाएगी तो मज़ा आएगा गाड़ी चलाने। तो गाइस वड़े भी आ चुके हैं, इस तरफ के वड़े काफ़ी फेमस होते हैं, तो चलो खा के देखते हैं, ट्राई करते हैं, मिसल का भी टेस्ट मैं बताता हूँ। गाइस मिसल सुपर्ब है, बहुत टेस्टी है, और साथ में वड़ा वेरी मस्त है, बहुत टेस्टी है। साथ में हमने ये लाल लहसुन की चटनी मंगाई है, एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन, मज़ा आया। चलो अभी यहाँ से फटाफट नाश्ता करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस ब्रेकफास्ट हो चुका है, बहुत मज़ा आया, वड़ा भी मस्त था, मिसल भी मस्त थी, तो अभी बस एक कॉफ़ी में आते हैं, ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर, और फिर यहाँ से निकलते हैं। गाइस ब्लैक कॉफ़ी एकदम स्ट्रांग बनाई है, अभी मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में, तो अभी नींद जो थी ना सुबह वाली वो अभी उड़ गई है,
तो अभी ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ 150 किलोमीटर है हमारा घर यहाँ से, तो चलो पीते हैं निकलते हैं। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। सो दिस इज द होटल साई लीला। द मिसल वॉज सुपर्ब, द वड़ा वॉज सुपर्ब, अल्टीमेट टेस्ट एंड एकदम कॉस्ट इफेक्टिव। तो अभी यहाँ से निकले हैं और अच्छा लग रहा है, पेट भर चुका है, भरा है तो। ऑलमोस्ट 1 घंटा हम लोग यहाँ पे रुके थे। तो गाइस यही है वो ट्रैफिक जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं, जो मुंबई गोवा हाईवे पे, ओल्ड मुंबई गोवा, ऐसे मुंबई गोवा हाईवे पे जो मिलती है। दिस इज लाल परी महाराष्ट्र की DST सर्विसेज, स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ऐसे रूरल महाराष्ट्र की ये लाइफ लाइन है। तो गाइस काफी जगह पे ये डबल से सिंगल लेन, सिंगल से डबल, मतलब एक तरफ से काम चल रहा है, ऐसे हो रहा है। तो आपको ज़रा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि अचानक सामने से कोई गाड़ी आ सकती है। तो देखो कैसा लोड किया ये, सो डेंजरस इट इज। मतलब थोड़ा भी कुछ उम्मीद मिस हो गया तो बेचारा जो बाजू से जा रहा है तो वो तो ऐसे ही मर जाएगा। ये ऐसे डबल लेन से ये सिंगल लेन होता है और यहीं पे दिक्कत होती है कि लोग है ना रॉन्ग साइड से ओवरटेक करते हैं। एक बार बुरा हो जाएगा ना रोड तो मजा आएगा फिर गोवा जाने के लिए इस ओर से। तो यूजली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वाया कोल्हापुर जाते हैं, बट दिस इज अ मोर ब्यूटीफुल रोड देन दैट वन। तो सुबह से हम लोग को बहुत बाइकर्स दिखे यहाँ पे। बस अभी क्या क्रिसमस सीजन है, छुट्टियाँ हैं, ये देखो रोड की हालत। ये बीच बीच में ना ऐसे बहुत गंदे पैचेस है, तो बहुत धूल मिट्टी है। गाइस ये कुछ हाल है मुंबई गोवा हाईवे का यार, ये कभी बनेगा पता नहीं। मतलब पिछले कितने ही किलोमीटर से ऐसी धूल उड़ रही है और उसी को छेड़ते हुए हम जा रहे हैं। आपने तो सुना रहेगा बीच में रिकॉर्ड आया हुआ था कि इतने घंटों में इतना इतना रोड बनाया गया नागपुर में, और जो कि इतना मतलब इम्पोर्टेंट भी नहीं होगा, लेकिन ये रोड जो इतना इम्पोर्टेंट है जहाँ पे इतनी ट्रैफिक चलती है, कितने सालों से इसका काम चल रहा है अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। मतलब देखिए अगर करना है तो आप तो कुछ भी करते हो, आप तो चांद पे आप लेके गए, तो ये रोड बनाने में इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इट्स मोर ऑर लेस कैसे है ना विल इशू है भाई, ये करना है कि नहीं करना है, कि बस ये ऐसे ही चलाते रहना है, कॉन्ट्रैक्ट देना है, थोड़ा बनाते हैं, थोड़ा कमाते हैं, थोड़ा छिपाते हैं, फिर बनाते हैं। हाँ ये मेंटेलिटी जब तक नहीं चेंज हो जाएगी आप इसको ना शंघाई बना पाओगे, ना सिंगापुर बना पाओगे, ना कुछ भी बना पाओगे। बात तो सही है। हमें कुछ पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स में तो पढ़ना नहीं है, हम बस राइड करते हैं, लेकिन ये तो सब दिखाई देता है ना। ऐसे भी नहीं कि भाई बहुत पढ़ा लिखा आदमी को ये दिखाई देगा, सबको पता चलता है क्या चल रही है। गाइस हम यहाँ पे रुके हैं, आपने देखा रोड की हालत कैसी थी, मतलब बेकार हालत थी। यहाँ से हमारा घर अभी 79 किलोमीटर दिखा रहा है जो 2.25 घंटे बता रहा है, इसका मतलब ये है कि आगे भी रोड ख़राब होगा, नहीं तो 79 किलोमीटर्स के लिए 2.25 घंटे नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे अभी रुके हैं, पानी भी नहीं पिया है क्योंकि बहुत डिहाइड्रेशन हो गया, धूल मट्टी इतनी थी बेकार, आपने चेहरे पे देखा रहेगा। तो अभी यहाँ से निकलते हैं फिर आपको मिलते हैं। सो गाइस हम आते समय आगे से एक कट लिया था अलीबाग के लिए, हम लोग अलीबाग के अंदर से आए, बस ये आगे ये हुई राइट में वो कट है, लेकिन हमें अभी सीधा जाना है। ये लेफ्ट राइट अभी काफ़ी चलते रहेगा, पीछे भी था लेकिन अभी यहाँ पे अच्छे रोड है, लेकिन यहाँ पे भी लेफ्ट राइट चलेगा क्योंकि एक तरफ काम चल रहा है दूसरी तरफ रोड बना हुआ है। तो चलो गाइस महेश भाई को अलविदा कहने का टाइम आ गया, अभी यहीं पर इनका घर है, हमको यहाँ से सीधा जाना है और 1.5 घंटा लगेगा। चलो गाइस अपन निकलते हैं यहाँ से, बाय बाय। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं करंजारे और हमेशा की तरह हम यहाँ पे रुकते हैं, यह हमारा आखिरी ब्रेक रहता है। अगर पुनः भी ना उस तरफ से ना
आ रहे हैं तो, अरे यार ये इसके बाद हम सीधा घर पे जाते हैं तो थोड़ा पानी पीते हैं, काफी धूप है। अच्छा लग रहा है, तो मैंने जैसे कहा पानी इज अ मस्ट, आप हर एक घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पिया करो, तो पूरा डिहाइड्रेट होता है, फिर है ना दिमाग चलता नहीं है, फिर है ना वो सुस्ती आती है। मैंने देखा अगर पानी की कमी हो ना तो आपको नींद आती है बाइक चलाते, तो चलो पानी पीते हैं तो यहाँ से निकलते हैं। A few moments later. तो गाइस पानी भी हो गया, पानी भी एग्जैक्टली यही टाइम पे ख़त्म हो गया, और अभी यहाँ से आगे जाएंगे ना तो लेफ्ट साइड में जो नवी मुंबई का नया एयरपोर्ट जो बन रहा है उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हर बार मैं यहाँ से गुजरता हूँ मैं आपको हमेशा और थोड़ा सा ग्लिम्पसेस दिखाता हूँ, तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। हाँ लेकिन आप वो एयरपोर्ट वाला पार्ट देख लीजिए वीडियो के बाद, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया रहेगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। सो गाइस पता नहीं कितना दिखेगा क्योंकि है ना इन लोगों ने लेफ्ट वाला लेन बंद कर दिया है और राइट के लेन से सब डाइवर्ट किया ट्रैफिक, तो वो वहाँ पे दैट इज नवी मुंबई एयरपोर्ट जो काम चल रहा है। मुझे लग रहा है अच्छा खासा काम हो गया क्योंकि पहले यहाँ पे ना पहाड़ भी और ऐसा सब दिखते थे, अब ये पूरा फ्लैट दिख रहा है, ये झाड़ियों की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है, देखो है ना काफी फ्लैट है अभी, अब बहुत जोर से काम चल रहा है जोरों शोरों से। तो चलो फिर गाइस मिलते हैं और किसी जर्नी में, तब तक के लिए गुड बाय। अभी तक तो रास्ता मस्त था, टॉप में चल रहा था मैं और यहाँ पे आके पूरा जैम हो गया। एक तो ये मिरर्स के वजह, मिरर्स नहीं है बकवास मिरर है ये, इसके वजह से मुझे अभी ना ट्रैफिक में ओवरटेक करने के लिए डर लगेगा।